आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ताल टुकड़ा बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे सीखेंगे। दोस्तों तबले से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और मैं आप लोगों को का जो भी प्रश्न रहेगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि टुकड़ा कहते किसे हैं, ठीक है? फिर हम लोग टुकड़ा सीखेंगे। दोस्तों टुकड़ा जो है तबले का एक व्यापक शब्द है, अत्यंत व्यापक शब्द है टुकड़ा। और तबले की जितने भी रचनाएं हम लोग बजाते हैं, जितने भी रचनाएं, उसे हम टुकड़ा कह सकते हैं। परंतु दोस्तों टुकड़ा उस रचना को कहते हैं जो ना तो परन के समान बड़ा और जोरदार हो, न ही उसके समान कायदे और पलटे हो सकते हो, ठीक है? तो टुकड़ा कैसा होता है? तो टुकड़ा जो है प्रायः दो या तीन आवर्तन तक का होता है। यह अधिकतर जो है तिहाई युक्त होता है, यानी तीन बार बजाया जाता है टुकड़ा को। यह अधिकतर तिहाई युक्त होता है। तो गेस करते हैं कि आप जान गए होंगे कि टुकड़ा किसे कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक टुकड़ा लिखवा दे रहा हूँ। तीन ताल में है, तीन ताल में कुल 16 मात्रा होते हैं, एक पांच तेरह ताली, नौवीं मात्रा खाली। तो सबसे पहले आप टुकड़े के बोल लिखेंगे। बोल है, आप इसे लिख लेंगे। बोल है, धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा तिर किट तक, धा तिर किट तक, धा धीना धी धीना तीना धी धीना, ठीक है? तो गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल है, धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा तिर किट तक, धा तिर किट तक, धा धीना धी धीना तीना धी धीना, ठीक है? अब इसे हमें बोलना भी है तीन बार और बजाना भी है तीन बार, ठीक है? तो बोलेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग बोलना सीखते हैं। जब बोलना सीख जाएंगे तो बजाना भी हम लोग सीख लेंगे आसान तरीके से, ठीक है? और मैं बिल्कुल आसान से एक एक बोल को कैसे बजाना है वो सारे मैं बताऊंगा। आप लोग इसी प्रकार से बने रहें और इसे सीखें। दोस्तों अब इसे तीन बार बोलना है और बजाना है, ठीक है? तो तीन बार कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बोलना सीख, धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा धीना धी धीना तीना धी धीना, धीर धीर किट तक, धा धीर धीर किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा धीना धी धीना तीना धी धी, धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा धीना धी धीना तीना धी धीना, तीन ताल में। तो चलिए इसे हम लोग बजाना सीखते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे बजाएंगे। धीरे धीरे बजाएंगे कैसे वो से हम लोग जानते हैं। देखिए धीरे धीरे बजाना मैं एक बार और आप लोगों को बताया था, शॉर्ट वीडियो में बताया था धीरे धीरे कैसे बजाएं, ठीक है? तो चलिए धीरे धीरे बजाना सीखते हैं। सबसे पहले तो इस हैंड को इस प्रकार से, जो राइट साइड का आपका तबला है, दाहिना तबला, इस प्रकार से आघात करें, ठीक है? तो ये धीरे धीरे इसे नहीं कहेंगे, ये जो अभी हम बजा रहे हैं इसे धीरे धीरे नहीं कहेंगे, क्या इसे कहेंगे? धीरे धीरे। जब इसमें हम घे लगा देंगे तो हो जाएगा धीरे, ठीक है? तो इस प्रकार धीरे धीरे, ठीक है? इस प्रकार से मैंने एक कायदा आपको बताया था, धाते उसमें मैंने आपको बजाना बताया था, ठीक है? तो देखिए धीरे धीरे बजाना कैसे। तो इस प्रकार से आप एक बार ऐसे पटकेंगे, एक बार ऐसे, बिल्कुल ऐसे उल्टा, इस प्रकार से। मतलब कुछ दिन आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका धीरे 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 हैंड फ्रेश होगा, ठीक है? तो आप धीरे धीरे बजाना भी सीख जाएंगे, ठीक है? धीरे धीरे समझ गए धीरे धीरे कैसे बजाना है। तो अब चलिए हम लोग किट तक बजाना सीखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका की, ये हो जाएगा ट, ये हो जाएगा त, इसे कहेंगे क, ठीक है? की ट त, की ट त,
इस पे आप सोच रहे होंगे कि ये आप तो की भी बजा रहे हैं, क भी बजा रहे हैं और एक ही प्रकार से बजा रहे हैं। तो दोस्तों तबले में क के की क सेम इसी प्रकार से बजाएंगे, क के की क, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम पैटर्न से बजेगा, ठीक है। तो चलिए आप तो धीरे धीरे किट तक बजाना सीख लिए, धीरे धीरे अब धीरे धीरे जब बजाएंगे तो हम तो सिर्फ आपको धीरे धीरे बजाना बताएं, तो धीरे धीरे में क्या करेंगे तो घे, इस घे का घा इसे घे बजाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे इस प्रकार से घे को स्लाइड करेंगे, थी र थी र, यानी थी और डगे पर घे दोनों को एक साथ आघात करेंगे, थी र थी र थी र थी र, समझ गए, धीरे 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 धीरे, समझ गए, हाँ धीरे कितने तक, धीरे धीरे कितने तक, ठीक है, हाँ धीरे कितने तक, लेकिन यहाँ धीरे धीरे कितने तक, हाँ तरीके तो हम कायदा में आपको बताए थे, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं बीच में, ताकि जो मैं पहले आपको कायदा बताया था वो भी याद आ जाए और साथ में टुकड़ा भी सीख ले, ठीक है, तो इसलिए मैं बीच में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे कितने तक, ठीक है, अब इसे मैं बजाना दो बार, धीरे धीरे कितने तक, धीरे धीरे कितने तक, ठीक है, ठीक है। तो गेस करते हैं कि आप ये बजाना सीख लिए होंगे, धीरे धीरे कितने तक, धीरे धीरे कितने तक, अब बजाना धा धीरे कितने तक, धा तो आप बजा ही लेंगे, स्याही और लॉ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे, बाएं आना सब की आवाज आएगी, डगे पर बजाएंगे के, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे, धा बजेगी, ठीक है, धा ती ड कित तक, ठीक है, ठीक है, धा ती तक, धा ती, इस प्रकार धा ती कित तक, धा ती ड कित, ठीक है, इसी प्रकार से सेम बजाना है, ठीक है दोस्तों। तो गेस करते हैं कि अब इतना बजाना सीख गए होंगे, धीरे धीरे कितने तक, धीरे धीरे कितने तक, धा धी ना धी धीना धीना धी, अब देखिए धीना धी धीना तीना धी धीना कैसे बजाएंगे, धी बजाएंगे लौ पर तीन डगे पर गेस साथ आघात करेंगे, ठीक है, जो कि आप सुन भी रहे होंगे, धी चाटी पर ना, धी ना धी धी ना धी धी ना, ठीक है, धी ना धी धी ना ती ना, ये हो जाएगा ती, लौ पर तीन, तीन के साथ इस क को लगा देंगे तो हो जाएगा ती चाटी पर ना, ती ना धी धी ना, ठीक है, समझ गए, धी ना धी धी ना ती ना धी ना, ठीक है, करते हैं कि आप ये बजाना सीख गए होंगे। अब सारे बोल को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, टुकड़ा जो है लगातार तीन बार बजाया, दो या तीन बार बजाया जाता है, ठीक है, तो चलिए हम एक साथ टुकड़ा को बजाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कितने तक, धीरे धीरे कितने तक, धाते
बजाना सीख गए होंगे। दोस्तों अब हम लोग इस कायदे के जो टुकड़े हैं तीन ताल टुकड़ा, तो इसका हम लोग रियाज करते हैं, ठीक है। और कायदा तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, कायदे के बोल क्या हैं। कायदे के बोल हैं बजाना सीख गए होंगे था ती 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 ती, ठीक है। तो चलिए टुकड़ा का हम लोग कुछ देर रियाज कर लेते हैं साथ में, बिल्कुल स्लोली में करेंगे, यानी बिल्कुल विलंबित लय में हम लोग इस टुकड़ा का रियाज करेंगे साथ में, ठीक है। फिर धीरे धीरे फास्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग साथ में याद करते हैं। 1 2 3 धीरा धीरा
और आप लोग इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें और तबला सीखते रहें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बजाना सीखे, इसी के साथ आप सब कुछ।